इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, यहाँ गमछे की महिमा बताना बेहद जरूरी है। ये गमछा ही है जो हिंदुस्तान के हर राज्यों और कई मुल्कों के लोग अलग अलग ढंग से उपयोग में लाते हैं। इस पुलिस वाले ने साबित कर दिया कि गमछा है तो क्या गम है। हथकड़ी ना हो, सामने कैमरा हो, आपात स्थिति से निपटने के लिए गमछा से बढ़कर क्या ही हो सकता है भाई। तस्वीर देखकर कुछ नहीं समझ पाए तो पूरी कहानी सुन लीजिए। बिहार में वैसे तो सुशासन का राज है और इस सुशासन के राज को कायम करने की सबसे ज्यादा जवाबदेही जिन पर है वो है बिहार पुलिस। लेकिन बिहार पुलिस खुद कितनी व्यवस्थित है, आइए जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए। हाईटेक संसाधनों से लैस होने का दावा करने वाली बिहार पुलिस गमछे और अंगोछे वाली व्यवस्था के भरोसे चल रही है। हाजीपुर में कुख्यात कैदी को ले जा रहा पुलिसकर्मी कैदी के हाथों में गमछा बांधकर ले जाता दिखा। हथकड़ी को लेकर सवाल हुआ तो हड़बड़ाए पुलिस वाले ने सर से गमछा उतारा और कैदी के हाथ में बांध दिया एकदम ऐसे, लो भाई लग गई हथकड़ी। श्रीलाल शुक्ल भी अगर राग दरबारी लिख रहे होते तो एक पन्ना इस पुलिस वाले के लिए जरूर समर्पित करते। खैर मामला और विस्तार से समझिए। दरअसल राघोपुर थाने में एक दर्ज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी वैसा वैसा नहीं, हत्या का आरोपी। लेकिन गिरफ्तार आरोपी को जेल ले जाने के दौरान जो तस्वीर दिखी वो न केवल हैरान करने वाली दिखी बल्कि बिहार पुलिस की फटेहाली की तस्वीर भी बयां कर दी। सदर अस्पताल में कैदी की जांच कराने पहुंचे थाने का पुलिसकर्मी गिरफ्तार आरोपी के साथ खुले में टहलकदमी करता दिखा। लोगों की नजर पड़ी तो किसी ने पूछ लिया, हथकड़ी कहाँ है। सवाल से हड़बड़ाए पुलिस वाले ने फटाक से सर से गमछा उतारा, खोला और आरोपी के हाथ में बांध दिया। मतलब झटपट इंतजाम। पुलिस वाले की इस हरकत को देखकर मौजूद लोग भी भौचक के रह गए। सवाल पुलिस का और पुलिस के इंतजाम का था सो लोग भी निकल लिए और मौका देखिए पुलिस वाला भी आरोपी को गमछे से मुक्त कर दिया। लेकिन इन तस्वीरों ने एक पीछे सवाल जरूर छोड़ दिया कि क्या इसी इंतजाम के भरोसे बिहार में पुलिस अपने व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। कानून की कसौटी पर बिहार पुलिस का ये तरीका कितना सही है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाजीपुर से हमारे संवाददाता संदीप आनंद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।